दोस्तों, दुनिया के सबसे जहरीले सांपों की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम साउथ अफ्रीका का खतरनाक सांप ईस्टर्न ग्रीन मांबा की बात करेंगे। ईस्टर्न ग्रीन मांबा साउथ अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले बेहद जहरीले सांप हैं। वे एलापेड परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वे चमकदार हरे रंग के साथ बेहद पतले होते हैं। बेहद जहरीले होने के कारण इनका काटना किसी भी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इनके काटने के बाद इंसान के पास ट्रीटमेंट के लिए महज 30 मिनट का समय होता है, अन्यथा सामना मौत से हो सकता है। वेस्टर्न ग्रीन मांबा के काटने से तेज दर्द और सूजन होती है। कुछ देर बाद सांस लेने में कठिनाई होने के कारण चक्कर आने लगते हैं। ग्रीन मांबा एलापेड परिवार के कुछ सबसे घातक सांपों में से एक हैं, जिस परिवार में कोबरा, क्रेट, कोरल स्नेक और डेथ एडर्स जैसे सांप हैं। एलापेड परिवार से संबंधित सांपों का जहर सामान्यतः न्यूरोटॉक्सिक होता है और यह अपने शिकार के नर्वस सिस्टम को निष्क्रिय कर देता है। ग्रीन मांबा का सिर किसी ताबूत की तरह नुकीला होता है। वे लगभग पूरी तरह से वनवासी होते हैं। अपना अधिकांश जीवन एकांत में हरे भरे पेड़ों पर व्यतीत करते हैं। वे केवल कुछ ही कारणों से अपना घर छोड़ते हैं, जैसे कि कोई शिकारी की आहट महसूस होने पर या मिलन के समय में। दोस्तों, छोटे पंछी, उनके अंडे या फिर पेड़ों पर लटके चमगादड़ इनके लिए आसान शिकार होते हैं। वे सिट एंड वेट तकनीक से शिकार करते हैं। इस तकनीक में एक जगह बैठकर शिकार को अपने नजदीक आने देना होता है। एक बार रेंज में आने के बाद उन पर तेजी से झपट्टा मारकर उनका शिकार किया जाता है। ईस्टर्न ग्रीन मांबा शाय स्वभाव के यानी शर्मिले सांप होते हैं। इंसान या किसी शिकारी के साथ आमना सामना होने पर वहां से निकलना प्रेफर करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपना एग्रेसिव रूप दिखा सकते हैं। अगर भागने का कोई मौका न दिखे तो झपट्टा मार के खतरनाक जहरीला बाइट दे सकते हैं। वे झाड़ियों के बीच 11 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय रफ्तार से चल सकते हैं। दोस्तों, अगर ब्लैक मांबा और ग्रीन मांबा दोनों प्रजातियों के बीच कंपैरिजन किया जाए तो दोनों भी बहुत खतरनाक जहरीले सांपों की प्रजातियां हैं। अगर उन्हें धमकाया जाता है तो दोनों भी प्रजातियां आक्रामक मानी जाती हैं। अगर उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे हमला करने में संकोच नहीं करते। अगर देखा जाए तो दोनों भी प्रजातियां इंसानों का काल होती है। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया, इन दोनों प्रजातियों के काटे जाने पर अगर 30 मिनट के अंदर आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलती तो आपका सामना मौत से भी हो सकता है। हालांकि ब्लैक मांबा को ग्रीन मांबा की तुलना में अधिक आक्रामक माना जाता है और वे हमला करने से पहले एक चेतावनी के रूप में जमीन पर खड़ा होकर जोर जोर से फुफकारता है। दोस्तों, आज की सबसे खतरनाक जहरीले सांपों की इस सीरीज में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।